आप सभी का स्वागत है कुलदीप पर की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं पोहे की कटलेट, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें ठंडों में बना करके खा सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और 1 कप पोहा लेंगे, और इस बाउल में पोहे को डाल लेंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे धो लेंगे, और पोहा धोने के बाद 1 बर्तन लेंगे और पोहे को इसमें हाथ से निचोड़ कर अच्छे से डाल लेंगे। पोहा निचोड़ने के बाद 3 उबले हुए आलू लेंगे और इन आलुओं को फोड़ के पोहे में डाल लेंगे। पोहे की कटलेट में आलू डालने से अच्छा स्वाद आता है। आलू हमने अच्छे से फोड़ लिए, और आप कद्दूकस से भी करके डाल सकते हैं। और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा कसा हुआ अदरक डाल देंगे, और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, और 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और 1/2 कप चावल का आटा डाल लेंगे, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, और 2-3 चम्मच अरारोट डालेंगे, और थोड़ी सी हींग डालेंगे, और सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हमने आलू और मसाले पोहे में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इनकी कटलेट बनाएंगे। अब इस मिक्सर को एक साइड रखेंगे और कटलेट बनाने के लिए एक प्लेट लेंगे, और हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, और इसे अच्छे से गोल करेंगे और हथेली से दबा करके इसे चपटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कटलेट गोल आकार की बना ली है। आप किसी भी आकार की बना सकते हैं। और थोड़ा सा मिक्सर और लेंगे और इसकी कटलेट बनाएंगे और इसे प्लेट में रख लेंगे, और हम इसी तरीके से सारी कटलेट बना लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। अब हमारी कटलेट बन गई है। अब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। कटलेट फ्राई करने के लिए हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है। आप किसी भी तरह का तेल ले सकते हैं। अब इसमें 1-1 करके कटलेट डाल लेंगे। कटलेट डालने के बाद इसे मीडियम गैस पर एक तरफ से सिकने देंगे। एक तरफ कटलेट सिकने के बाद इन्हें दूसरी तरफ को पलट देंगे और इन्हें भी धीमी गैस पर सिकने देंगे। कटलेट को पलटने के बाद इन्हें तेज गैस पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हमारी कटलेट अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से सारी कटलेट सेक लेंगे। अब हमारे पोहे की आसान तरीके से कटलेट बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। इसे किसी भी मौसम में, ठंडी या गर्मी में,
कभी भी बना करके खा सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।